नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। दोस्तों, दुनिया में भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। देश में और पूरे विश्व स्तर पर हम देखते हैं कि भुखमरी की समस्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लोग आए दिन भूखे की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएँ हैं जो हमारे देश को जकड़ी हुई है, और इन समस्याओं को लेकर सरकार भले ही सुस्त कदम उठाती हो, लेकिन हमारे समाज के लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो वो एक प्रेरणादायक कहलाते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पटना के राजीव मिश्रा जी, जो बिहार में एक भोजन बैंक नामक संस्था चलाते हैं। आज करते हैं हम उनसे एक खास बातचीत। नमस्कार राजीव मिश्रा जी, आपका बिहारी न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये भोजन बैंक क्या है? भोजन बैंक एक संस्था है जो कि भूखे और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाती है। अब भूखे और ज़रूरतमंद तो आज के डेट में सच पूछिए तो सभी लोग हैं, लेकिन हम ऐसे भूखे और ज़रूरतमंदों की बात करते हैं जो पूरी तरह से निसहाय हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, शरीर से लाचार हैं, दिव्यांग हैं, लावारिस बच्चे हैं, रोड पे पड़े रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनके पीछे कोई आसरा नहीं है, जिनको कोई आश्रय नहीं मिला हुआ है, ऐसे लोगों को हम चुन चुन कर भोजन करवाते हैं। भोजन बैंक उन सभी के लिए काम करती है जो भूखे हैं, ज़रूरतमंद हैं। और आपने देखा होगा कि हर साल एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, लगभग 10 से 12 अक्टूबर के आसपास हर साल। हाल ही में तो भारत का स्थान 100वां आया है। जी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। 12 अक्टूबर को ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था, और आपको बहुत आश्चर्य होगा, जैसा आपने कहा कि 119 देशों की सूची बनी, पूरे विश्व में 119 देशों की सूची बनी कि भुखमरी के मामले में किस देश की स्थिति क्या है। भारत आज़ादी के 70 साल के बाद भी इस मामले में बुरी तरह से जूझ रहा है, और भारत में भुखमरी से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि उस 119 देशों की सूची में भारत 100वें पायदान पर खड़ा है। एक समाज सेवी होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सारे मामलों पे जब हम लोग बहुत अच्छा करता है, हमारा देश बहुत अच्छा करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक भारतवासी के नाते, एक देश प्रेम व्यक्ति के नाते बहुत अच्छा लगता है, सभी को खुशी होती है जब भारत कुछ अच्छा कर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पैमाने होते हैं जहाँ पे हम पिछड़ते चले जाते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होती है। चाहे आप सामाजिक रूप में देख लीजिए, या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, या कहीं पे भी उसकी लोग चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझते हैं। भारत 2017 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100वें पायदान पर आ गया। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले पाँच साल में भारत की स्थिति बदतर ही होती गई है। जी, हाल ही में, मतलब 3 साल पहले हम इसकी स्थिति देखे तो भारत 97वें नंबर पे था, और अभी वो 100वें नंबर पर। और जैसा कि हम जानते हैं, आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है, तो इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने, सरकार को या हमारे समाज को? मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको सुधार दूँ कि 97th पोजीशन पर 3 साल पहले नहीं थी, सिर्फ 2 साल पहले 97, उसके पहले ये 65th पोजीशन पर थी, उसके पहले 55th पोजीशन पर थी। यानी साल दर साल इस पैमाने पर हम खराब होते जा रहे हैं, और इसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। सबसे दुखद पहलू यही है कि इसके बारे में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चाहे आप राजनीतिक रूप से कह लीजिए, सरकारी पैमाने पर कह लीजिए, या सामाजिक रूप से देख लीजिए, इस पर लोग चर्चा तक नहीं करते हैं। सबसे दुखद पहलू यही है। अरे भोजन क्या, हमारे जीवन में हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान सबसे बेसिक चीज़ है। अरे भोजन तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मतलब मोस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ ए ह्यूमन बींग इज भोजन। हम खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, सांस लेंगे तभी कुछ आगे काम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे माहौल में जब हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम रॉकेट पे
चांद पर और मंगल ग्रह पर भेजने की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, होना ही चाहिए। लेकिन इस पैमाने पर हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? मैं किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या केवल सरकार को मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक के ऊपर मैं ये थोप रहा हूँ। ये एक कॉमन फेनोमेना है और हर आदमी को मिलकर जिम्मेदारी लेना होगा। अगर किसी के घर में 5 आदमी का खाना बन रहा है और 3 आदमी खाते हैं या 2 आदमी बाहर से खा के आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि 2 आदमी का खाना बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कल के डेट में वो सुबह डस्टबिन फेंका जाता है। तो क्या उसको फेंकते समय, क्या वो फेंकते समय हमारे दिल में वो पीड़ा होती है क्या कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इसी खाने की वजह से मर रहा होगा? ये नहीं होती है, किसी को नहीं होती है। अगर किसी को होती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा सलाम है उनको, मेरा नमस्कार है उनको, लेकिन इन जनरल नहीं होती है और ये होनी चाहिए और ये पीड़ा सबको उठानी होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोगों ने एक सेमिनार किया था और आंध्र प्रदेश से एक प्रोफेसर आए थे जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया, फूड वेस्टेज के ऊपर हमारा वो सेमिनार था और हमने पटना ही में किया था और वो पूरे देश में अलग अलग जगह पे कई जगह वो सेमिनार हुआ, तो मुझे भी 2 जगह पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और मैं गया था। तो प्रोफेसर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपके घर में आज मान लीजिए 1 किलो चावल का भात बना, ठीक है, और मान लीजिए किसी कारणवश आप लोगों का प्रोग्राम हो गया घूमने जाने का, आप बाहर चले गए घूम के आए, आउटिंग हुआ, बाहर खाना वाना खा के आ गए, आप घर आए, वो खाना वैसे ही रह गया बना हुआ, अगले दिन सुबह किया हुआ आपने उसको पैक किया और डस्टबिन में फेंक दिया, सिंपली यही पर होता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं और आप किसी व्यक्ति को यह कहते हैं कि आपने एक किलो चावल को बना के आपने बर्बाद कर दिया, तो अगला आदमी मुझसे क्या बोलेगा कि अरे आप अपना काम करो भाई, मेरा कमाई है, मैंने इसको कमाया और मैं अपने कमाई से इसको खरीदा और उसको बना के फेंक रहा हूँ, आपको क्या जाता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि उस व्यक्ति को नहीं मालूम है और मुझे लगता है 99% लोगों को यह बात नहीं मालूम होगा कि 1 किलो चावल को उपजाने में, मतलब 1 किलो बनाने के लायक चावल को बना मतलब तैयार होने में एक किसान का तो अथक प्रयास है ही, एक किसान का बहुत मेहनत करता है तब जाके 1 किलो चावल कहीं से वो रेडीमेड बना लगी जाता है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 2200 लीटर पानी 2200 लीटर्स वाटर कंज्यूम्स टू प्रोड्यूस 1 kg राइस, 1 किलो चावल को उपजाने में, तैयार चावल को उपजाने में 2200 लीटर पानी का उपयोग होता है। किसान ने जो मेहनत किया वो अपनी जगह किया, समय भी तो गया 4-5 महीना कम। ये 2200 लीटर पानी आपके देश का प्रॉपर्टी है जी। आपके देश का आपने, आप ये नहीं खरीद सकते। आपने 1 किलो चावल केवल फेंका, उससे उस किसान का पूरा मेहनत बर्बाद हुआ, आपने देश का 2200 लीटर पानी जो उस 1 किलो चावल को बनाने में जो उपयोग हुआ वो भी बर्बाद हुआ है। तो ये जिम्मेदारी सबको एक कॉमन समझना होगा। ये मैं जानता हूँ कि ये रातों रात नहीं बदल सकती है स्थिति, इसमें हमको आपको सबको मिलकर राजनीतिक रूप से सभी सक्रिय होकर इस पर बात करें, जो भी नेतागण हैं वो इस पर सक्रिय होकर बात करें, जो समाज सेवक हैं वो इस पर सक्रिय रूप से बात करें, आप मीडियाकर्मी जो भी हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पेश करें ताकि लोगों के दिमाग तक यह बात पहुँचे कि हमको खाना नहीं बर्बाद करना है। लोग ये जो समझते हैं कि पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, उनके लिए उनको शायद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही पैसा उनका है लेकिन संसाधन सबका है। बिल्कुल, अपने पैसा का प्रयोग वो कर सकते हैं लेकिन सबके हिस्से का संसाधन वो नहीं बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपको ये भोजन बैंक शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली राजीव जी? भोजन बैंक के पीछे की कहानी यह है कि हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है जी, हम लोग जानते हैं और आप गूगल वगैरह पे देखते होंगे, न्यूज में आता है, बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं उस दिन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो मैं इस मुद्दे पर तो बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ 11 जुलाई को, 11 जुलाई 2017 की मैं बात कर रहा हूँ,
मैंने उस दिन बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, कुछ समय था उस दिन मेरे पास, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था। उसी को पढ़ने के दरमियान मुझे ये पता चला कि भारत में आज के डेट में आज़ादी के 70 साल के बाद भी स्थिति यह है कि 22 करोड़ लोग जी, अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी के कारण भूखे सोने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, मतलब उनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है इसलिए वो भूखे सोने पर मजबूर हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है देश में कि आज हम चांद तारे की बात करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, हम स्पीड 500 किलोमीटर के बाद पहुँच जाएंगे ट्रेन से उसकी बात करते हैं, हम पलक झपकते दिल्ली पहुँच जाएं, मुंबई पहुँच जाएं, हम कहीं से भी कुछ भी कर लें, बहुत सारा टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लेते हैं, कहीं पर भी बात कर लें, लेकिन इतनी विकसित परिस्थिति के बावजूद एक आदमी भोजन के लिए तरस रहा है, इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती, मैं तो कम से कम यही समझता हूँ। हाल ही में झारखंड में एक ऐसा घटना जो पूरे देश को एकदम हिला के रखने वाला, जो कह सकते हैं कि झारखंड की एक संतोषी नाम की लड़की भात भात करते करते वो बेचारी दम तोड़ देती है, जिसको लेकर राजनीति भी हुई, बहुत तरह की बातें हुई, बयानबाजी हुई, और इस तरह की घटनाएँ सिर्फ एक संतोषी नहीं, आपके अनुसार कहा जाए तो 22 करोड़ लगभग। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि संतोषी तो मान लीजिए चलिए एक उदाहरण है, ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे कितने ही लोग देश भर में हैं जिसका कोई खबर नहीं बन पाता है, जो लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, वो भूखे हैं और भूखे ही कहीं दम तोड़ देते होंगे, हमको आपको पता तक नहीं चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहीं यात्रा में निकलता हूँ, अगर हम पति पत्नी अगर कहीं से कहीं की यात्रा पर जा रहे हैं तो हम लोग ट्रेन से ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हम अपनी सवारी से जाएं। और हम क्या करते हैं कि हम कुछ खाना, कम से कम 30-40-50 लोगों का खाना हम अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं, और मकसद यह रहता है कि हम उस रूट पे जहाँ पे जा रहे हैं हम कहीं कहीं बीच में रुकते हुए उस बहुत अंदर तक चले जाते हैं, गाँव देहात तक, और हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है भुखमरी की। आपको बहुत आश्चर्य होगा, बहुत दुख भी होगा ये जान के कि स्थिति बहुत भयावह है। लोग नहीं समझते हैं, लोग समझते हैं कि, मैंने कई लोगों से बात किया कि हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, आप इसमें हमारे साथ खड़े हैं, बोले क्या आप बात कर रहे हैं, आज के डेट में कौन भूखे मर रहा है, लोग ऐसे ही बात करते हैं, लोग ये नहीं समझते हैं कि क्या स्थिति है। आप कभी ग्राउंड रियलिटी आप जानेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा, कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर महीनों तक खाना नहीं बनता है, चूल्हा जलने के बाद तो छोड़ दीजिए, चूल्हा जलने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खाना नहीं बनता है, अगर आप उनको कहें कि आप कुछ रेडीमेड ही बना लीजिए तो भी वो उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, वो कहीं कहीं से मांग के खा रहे हैं, कहीं से कुछ फल मूल कंदमूल खा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके घर में प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारे आपके घर में रोज़ 2 टाइम चूल्हा जलता है, खाना बनता है, सैकड़ों क्या हजारों लाखों घर ऐसे हैं देश भर में जहाँ पे चूल्हा नहीं जलता है। तो क्या इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, मतलब विभिन्न तरह की योजनाएं चलती हैं अनाज देने का और तरह तरह का, तो मतलब ये सब जमीनी स्तर पे एकदम शून्य है। देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार योजनाएं नहीं चलाती है, निश्चित रूप से सरकार योजनाएं चलाती है, केंद्र सरकार भी योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार भी चलाती है और सारे राज्य सरकार चलाती है, लेकिन मॉनिटरिंग सही नहीं है, ये मैं जी दावे के साथ कह सकता हूँ। मॉनिटरिंग की बात आती है, देश में आपके अनुसार या यह कह सकते हैं कि पहले तो विश्व में 11.3% लोग कुपोषण के शिकार हैं, बिल्कुल जैसा कि आंकड़ा बताता है, बिल्कुल, और भारत में यह आंकड़ा 20% लोगों पे लगभग लागू होता है कि वो कुपोषण के शिकार हैं और भुखमरी के शिकार वो जल्द से जल्द होने लगते हैं। तो इस स्थिति में आप इस समस्या से निजात पाने के लिए आपके पास कोई योजनाएँ हैं क्या? कि मेरे पास योजनाएं, पहले तो हम लोग ये बात करें कि एकदम से मजबूर स्थिति में कौन है जी। इस चीज़ को समझना होगा और इसको बहुत छोटे छोटे तरीके से इसको एरिया वाइज डिवाइड करके ये हमें सर्वे करना होगा, और ये अकेले एक दो आदमी या एक संस्था के बस की बात नहीं है, इसमें सामूहिक रूप से सभी को साथ देना होगा, सभी को खड़ा रहना पड़ेगा और मिल के काम करना होगा। अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप देखते होंगे कि अलग अलग एरियाज़ में रोड के किनारे
कुछ ऐसे छोटे मोटे गुमटी जैसे होते हैं ढाबे, जो रिक्शा वाले, ठेला वाले या लेबर क्लास के जो लोग हैं उन लोगों के लिए दाल चावल भात ये सब बनाते हैं और वो खिलाते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एरिया में जाकर सर्वे करते हैं कि इस एरिया में ऐसे कितने मजबूर लोग हैं जो कि खुद से कमा के खाने में सक्षम नहीं है, फिर उनका एक डेटाबेस बनाते हैं और उस एरिया के जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे ढाबे हैं, उनको संपर्क करते हैं कि देखिए ये 10 आदमी इस एरिया में ऐसे हैं जो मजबूर हैं और इनको आप रोज़ खाना खिलाइए। हमारी जिम्मेदारी है एक टाइम हम खाना खिलाते हैं, हमारी कोशिश ये है कि अभी हम एक टाइम खाना खिलाएं, फिर भविष्य में हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हमारे साथ और लोग जुड़ते जाएंगे, हमें और सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम 2 टाइम 3 टाइम मतलब जैसा भी होगा वो हम करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद है कि कम से कम एक टाइम का खाना हम जरूर खिलाएं। आम जनता इस भोजन बैंक से कैसे जुड़े? आम जनता हमारे साथ, अब तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया से जो भी जुड़े हुए हैं वो हमारे एक्टिविटी को देख रहे हैं, हमारे एक्टिविटी को समझ रहे हैं और बहुत हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने सोचा और हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा हम और आप नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं हमें, और जो मटेरियल्स होते हैं अगर जो हमें खाना पकाने में और जो उनको खाना पहुंचाने में जो हमें मदद करे वो सारे सुविधाएं भी लोग हमें प्रदान करते हैं और हमें खुशी होती है, हमें खुशी होती है कि लोग खड़े होते हैं और हमारे इस एक्टिविटी को, हमारे इस मुहिम को लोग साथ दे रहे हैं। तो अभी हमने, मैं आपको बता दूँ कि 12 सितंबर से मैंने ये शुरू किया है भोजन बैंक संस्था 2017 जी 12 सितंबर को मैंने ये शुरू किया था पटना में, और पटना के राजा बाजार में खाजपुरा शिव मंदिर के ठीक सामने पाया नंबर 26 है, वहीं से हमने ये शुरू किया था। और 12 सितंबर में एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे था, तो 11 जुलाई को जब जनसंख्या दिवस के दिन हमने ये दिमाग में लाया था कि हमारे देश में जब 22 करोड़ लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, तो मैं सोचा कि सोचते सोचते तो समय बीत जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। तो 12 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे हुआ, तो मैंने सोचा कि हम लोग केक काटने वाले कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद, पर्टिकुलरली मैं नहीं करता हूँ, तो मैं सोचा कि नहीं आज ही से हम अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो हमने 12 सितंबर को 300 लोगों को, हमने ऐसे जो नीडी लोग हैं के साथ हमने ये शुरू किया, और फिर धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ती ही गई। हम अलग अलग एरिया में घूम घूम के काम करते हैं, हम भोजन एक जगह बनाते हैं उसको ई रिक्शा से या गाड़ी से हम उसको अलग अलग एरिया में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य यह भी है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, क्योंकि आप देखिए जो नीडी लोग हैं रोड पर उनको तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखेंगे तो इलाज अपनी जगह है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, जो बेस्ट पॉसिबल सर्विस है वो तो मिलता ही है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि सरकारी अस्पताल में जब कोई गरीब व्यक्ति इलाज करवाने जाता है तो उनके साथ जो 1-2-3 आदमी होते हैं उन लोगों को भोजन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। एक मजबूर आदमी जो बाहर से कहीं अपने किसी पीड़ित व्यक्ति को इलाज करवा रहा है और उसके जेब में पैसा नहीं है और वो भूखे कहीं ना कहीं मन महसूस के बैठा हुआ है, और जब हम लोग खाना लेके ऐसे लोगों को जब खिलाते हैं आप बिलीव नहीं करेंगे उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये हमारा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं IGMS में बहुत बार रात में काम किया हूँ, रात में 9 बजे 10 बजे हमने खाना खिलाया, कई लोग आँखों से आंसू गिराते हुए वो खाना खाते हैं कि अरे मतलब ऐसा भी होता है क्या, हमें मुफ्त में भोजन मिल रहा है। वाकई आप काफ़ी सराहनीय कार्य करते हैं जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत आगे तक आप जाएं, और आपकी जो इच्छाएं हैं कि जितने बृहद स्तर पर आप इस कार्यक्रम को ले जाना चाहते हैं, कार्य को ले जाना चाहते हैं वो जाए वहां तक हो। आप पटना तक ही कर रहे हैं या इसको अन्य जिला में भी आप इस कार्य को कर रहे हैं? अभी शुरुआत हमने जैसा बताया कि 12 सितंबर को हमने जब इसको शुरू किया था तो पटना में शुरू किया, और 2-3 महीने हम यहाँ पर बृहद रूप से काम करते हुए आज के दिन में हम इसको झारखंड तक फैला चुके हैं, और 2-3 और संस्थाएं हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। हैदराबाद में डोंट यू वेस्ट फूड एक संस्था है जो कि फूड वेस्टेज के ऊपर काम करती है, हम उनके साथ भी मिलकर गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, इन जगहों पर काम हो रही है।
और बिहार में तो फिलहाल पटना में हो रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द हम मुजफ्फरपुर, डेरी ऑन सोन और भागलपुर में शुरू करेंगे। झारखंड में बोकारो में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जमशेदपुर में शुरू हो चुका है और दुमका में, देवघर में, इन सभी जगहों पर हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारा कोशिश है कि हम पूरे देश में इसका विस्तार करें। हम एक उस दिन की कल्पना करते हैं, एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं कि कम से कम उस दिन हमारे देश में कोई भूखा एटलीस्ट ना सोए जी। कम से कम एक वो दिन हम जरूर चाहते हैं कि आए कि इस दिन हमारे देश में कोई भूखा ना सोए। और ये जो आपने बताया ना, शुरू में आपने ही बताया, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हम 100वें पायदान पर खड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि भारत उसमें नंबर 1 पोजीशन पर खड़े रहे। हमारा देश ऐसा बने कि कम से कम हमारे देश में कोई भूखा ना सोए, बस उस दिन की कल्पना है। सबसे बड़ी बात कि भूखे की समस्या जो भारत में एकदम बृहद स्तर पर फैल चुकी है, बहुत दिनों से चली आ रही है, आज़ादी के समय से ही, और स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं। उस परिस्थिति में और आज की इस महंगाई के दौर में जो आपने ये कदम उठाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। आप ये बताइए कि आपकी इस टीम में, मतलब आप जो ये काम कर रहे हैं, लगभग कितने लोग होंगे जो इस काम को मतलब कर रहे हैं एकदम साथ में? अभी हमारे साथ 12 लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड होकर इस पे काम कर रहे हैं, और हम इसको धीरे धीरे टीम को बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे हम एक इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर हो, जो कि उस जिले का पूरा प्रभारी हो, वो देखे कि यहाँ पर कैसे काम चल रहा है। फिर वहाँ मोहल्ला वाइज भी अगर कोई वॉलेंटरली खड़ा होना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, वो इसमें काम कर सकता है। और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देश के अभी कई सारे ऐसे बड़े हस्तियाँ हैं, मतलब बड़ी हस्तियाँ मैं इस सेंस में कर रहा हूँ कि जो अपने एक अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं, अच्छे अच्छे जगह पर नौकरी कर रहे हैं, या बिजनेसमैन हैं, या वकील हैं, या रिटायर्ड पर्सन हैं अच्छे जगहों से, उन सभी ने हमारे साथ जुड़ने की अपनी इच्छा जताई है। कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं और वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम अपने खुद से एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा समय निकालेंगे और इस काम में, इस मुहिम में हम आपका साथ देंगे, और वो लोग कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग इसके साथ बेरोजगारी का भी एक निदान कुछ हद तक ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग जब अलग अलग जगहों पर जब खाना खिलाने जाते हैं, जो जो नीडी पर्सन होते हैं, जब हम उनको खाना खिलाते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो शायद वो नीडी नहीं है, लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी खाना की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम मना किसी को नहीं करते हैं, हम किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे, हम आपको भोजन नहीं कराएंगे। और कई बार हम ऐसा करते हुए ये महसूस हमने किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं उस भीड़ में, कुछ ऐसे लोग हैं उस भीड़ में जो काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, शरीर से मजबूत हैं, दिमागी तौर से पूरी तरह से मजबूत हैं, और उनको जज्बा भी है कुछ काम करने का, लेकिन कुछ काम उनको नहीं मिल रहा है, कोई रिसोर्सेस नहीं मिल रहा। तो हम ऐसे लोगों का काउंसलिंग करते हैं कि अगर कोई शरीर से अच्छा लग रहा है कि हाँ आप मजबूत कटकाठी के हो, आप कुछ काम कर सकते हो, आप चलो कहीं से अपार्टमेंट में गार्ड का काम कर लो, आप कहीं रिक्शा चला लो, आप कहीं ठेला चला लो, कहीं आप मजदूरी कर लो, तो आप ऐसे देखेंगे कि जो बेगिंग कल्चर जो है ना हमारे देश में, हमारे देश का एक बहुत बड़ा मतलब ये डिमेरिट है कि बेगिंग कल्चर को हम धीरे धीरे समाप्त करने की जो कोशिश करनी चाहिए वो नहीं हो पाता। सामाजिक तौर पर अगर लोग इस पर जागरूक हो जाएंगे तो ये समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई फिजिकली बहुत एक्टिव, बहुत फिट लग रहा है, तो थोड़ा सा काउंसलिंग कीजिए, निश्चित रूप से वो काम करने को तैयार होगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो निठल्ला बैठ के खाना खाना चाहेगा। जी बिल्कुल, यानी कुल मिला के यह कहा जाए कि अब भोजन के साथ साथ आप रोजगार की व्यवस्था करने वाले हैं और करेंगे, ऐसा आपका विचार है। अभी फिलहाल शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, कुछ दिनों बाद भले ही ये रुक जाए, लेकिन फिर शादी ब्याह के मौसम में क्या होता है कि अनाज की बर्बादी, भोजन की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि इन सभी बातों पर ख्याल करते हुए, राजीव मिश्रा जी की इन बातों को ध्यान में रखते हुए, भोजन की बर्बादी को रोकें
उतना ही खाएं, उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं और इस चीज़ को बर्बाद होने से रोकें। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा, ऐसे तो आपने कह ही दिया, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के सभी व्यक्ति से रिक्वेस्ट है जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं कि प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड, खाना को मत बर्बाद कीजिए। खाना एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, भले उसकी कीमत कोई समझे या ना समझे, लेकिन खाना बहुत कीमती चीज़ है। पानी भी बहुत कीमती है, पानी की भी बर्बादी ना करें। अक्सर आप देखते होंगे कि शादी ब्याह के सीजन में लोग होते हैं, प्लेट भर के खाना लेते हैं, आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। आपका जो खाने का जो अपना एक डाइट है, आप थोड़ा सा उसे कम ही लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, घटेगा दोबारा आप ले लीजिएगा, लेकिन लेकर मत छोड़िए प्लीज़। क्योंकि जो खाना हम और आप बर्बाद कर देते हैं, कोई उसी खाने के अभाव में मर जाता है। ये बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद है, बहुत ख़राब बात है। प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड, बस इतना ही। धन्यवाद राजीव जी। अभी आप सुन रहे थे राजीव मिश्रा जी को, ये भोजन संचालक हैं और ये निःशुल्क भोजन वितरण करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं। धन्यवाद राजीव जी एक बार फिर से आपका बिहारी डॉट न्यूज़ में आने के लिए।